बुधवार को बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के हवाई अड्डे से उड़ान भरी। नमस्कार, मैं हूं पूजा भारती और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। इसी के साथ रक्षा विमानन क्षेत्र में भारत का स्वर्णिम युग गुरुवार को 4.5 पीढ़ी के तेजस MK-1A लड़ाकू विमान की पहली उड़ान के साथ शुरू हो गया है। भारत के नए एडवांस तेजस MK-1A आज पहली उड़ान के रूप में हवा में 18 मिनट बिताए और 1:33 पर सुरक्षित वापस उतर गया। पहली उड़ान के लिए कई दिनों से यह तैयारियां HAL हवाई अड्डे पर तेजस MK-1A लड़ाकू विमान की पहली उड़ान के लिए चल रही थी। उन्नत LCA फाइटर जेट LA-5033 को आज सुबह 11 से 11:30 के बीच निर्धारित अपनी पहली उड़ान के लिए अंतिम समय की जांच से गुजारा गया। विमान को दुनिया के सबसे पुराने और सबसे ऐतिहासिक विमान घरों में से एक HAL के विमानन डिवीजन के हैंगर से बाहर निकाला गया। पहली उड़ान की तैयारियों में ADA, HAL, NAL, DRDO और CEMIALCA आदि की टीमों का अहम योगदान रहा। एयरोस्पेस उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वदेशी रूप से विकसित तेजस MK-1A फाइटर जेट ने 22 मार्च को अपना दूसरा लो स्पीड टैक्सी ट्रायल यानी कि LSTT सफलतापूर्वक पूरा किया था। इसके बाद से ही HAL के अध्यक्ष CB अनंत कृष्णन ऐतिहासिक उड़ान की तैयारी में सिस्टम मंजूरी की समीक्षा कर रहे थे। अपनी पहली उड़ान शुरू करने से पहले टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान विमान के सुरक्षित संचालन की सुनिश्चित रूप से आवश्यकता की गई। 83 LCA तेजस MK-1A फाइटर जेट की डील। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने 83 LSA तेजस MK-1A फाइटर जेट के लिए 3 फरवरी 2021 को HAL के साथ डील फाइनल की थी। इसी सौदे का पहला ट्वीन सीटर ट्रेनर पिछले साल 4 अक्टूबर को HAL ने वायुसेना को सौंप दिया था। भारतीय वायुसेना को इसी महीने के अंत तक पहले बैच में 2 तेजस MK-1A लड़ाकू विमान सौंपने की तैयारी है। HAL ने पहले बैच में मिलने वाले दोनों तेजस MK-1A को भारतीय वायुसेना अपने हवाई बेड़े में शामिल करने से पहले कठोर निरीक्षण और परीक्षण करेगी। आधुनिक वायु युद्ध के लिहाज से LCA तेजस MK-1A फाइटर जेट में एवियोनिक्स हथियार और रखरखाव में 43 तरह के सुधार किए गए हैं। फाइटर जेट MK-1A डिजिटल रडार चेतावनी रिसीवर, बाहरी आत्मसुरक्षा जैमर पॉड, बेहतर रडार, उन्नत दृश्य सीमा VBR, हवा से मार करने वाली मिसाइलों और महत्वपूर्ण रूप से बेहतर रखरखाव के साथ आएगा। MK-1A और MK-2 मौजूदा MK-1 विमान की तुलना में काफी बेहतर सुविधाओं और प्रौद्योगिकियों के साथ आएंगे। भारतीय वायुसेना अपनी लड़ाकू तैयारियों को बढ़ाने और सोवियत काल के MiG-21 लड़ाकू विमानों को धीरे धीरे बंद करने से बचे अंतर को भरने के लिए पश्चिमी क्षेत्र में आगे के हवाई अड्डों पर कुछ LCA तैनात करेगी।